हम बहुत खुश है। हमारा उत्तराखंड में यही होता है। आज के दिन हम मिठाई खाते झोड़े खाते नाचते और आलू माल जी अपनी खाड़ी रीति रिवाज क्या है। अच्छा आशीर्वाद देंगे वो भी उसे सीखेंगे वो भी वही रोल में आएंगे। हाँ हमारे उत्तराखंड मकरनी का त्यौहार है, हमारा उत्तराखंड का माने हुए त्यौहार है ये बड़ा। वो भाई बहन आर के साथ क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमारे उत्तराखंड का संस्कृति का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हमें बहुत अच्छा लग दिन हमारा हमारे रीति रिवाज है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, हम आपको बताते हैं इस समय जो है हम लोग पटेल नगर के ही 26 ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर पे हैं, जहाँ पर पर्वतीय कला एवं सांस्कृतिक मठ पंजीकृत है। ये एक संस्था है जो कि यहाँ पर जो पहाड़ की जो जनरेशन है, जो उत्तराखंड की जो जनरेशन है, वहाँ के कल्चर को लेकर के यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसको उत्तरेणी मकरेणी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जो कि मकर संक्रांति वाले दिन जो है वो यहाँ पे रखा जाता है। तमाम हजारों लोग जो हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं और एक साइड में आप देख सकते हैं पुरुष हैं, और यहीं पर जाने माने जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। काफी संख्या के अंदर में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। इसी प्रोग्रामों को लेकर के हम लोग एक बार यहाँ पे प्रोग्राम के कवर करते हैं, और कवर करने के बाद में हम लोग लोगों के साथ एक बार जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कला है ये कब से यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को यहाँ पर मनाया जा रहा है, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो मंच लगा हुआ है। एक बार कैमरा मैन से कहूंगा सामने आ जाए, ये देख सकते हैं सामने इस समय जो है वो काफी लोग यहाँ पर है, बच्चे वगैरह बैठे हुए, पीछे जो है वो महिलाएं हैं। तमाम यहाँ पर जो है वो उत्तराखंड के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और भी हम लोग एक बारी जाने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं। यहीं पर काफी प्रोग्राम चल रहा है, एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाएं। यहाँ पर जो है वो मंच के ऊपर में जो है वो स्वागत समारोह भी चल रहा है, वही लगातार ये आप देख सकते हैं। ये एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने लेकर के आए, हम लोग एक बारी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सर। अंकल जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर के? हमारा प्रोग्राम 93 से शुरू हुआ था, जिसकी नींव मैंने भी रखी थी। उस टाइम में केसर था, मेरा नाम गोविंद सिंह गाड़ा विषय है। तो हमारा कल्चर, हमारा पहाड़ी प्रोग्राम, हमारी एकता जो साल में हम लोग इकट्ठा होते हैं, और हमारे छोटे बड़े लोग जो सहयोग होते हैं, और ये जो त्यौहार जो हम मनाते हैं, ये त्यौहार हमारे बहुत पहले से चल रहा है। गरीब से गरीब आदमी इस त्यौहार को मनाता है, सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके घुघती बनाते हैं, और अपने बच्चों के नाम जो परदेश में हैं उनके लिए एक एक माला बनाते हैं, चाहे वो 6 महीने में आए चाहे 2 महीने में आए, उस बच्चे के नाम से, हर बच्चे के नाम से एक माला रख देते हैं घुघती का। ये बहुत बड़ा पर्व है, जो कभी नहीं नहाता वो भी आज के दिन नहा धो के आता है। ये उत्तराणी का त्यौहार है, चाहे कितनी ठंड हो, हमारा बर्फ पड़ी हो, तो हमारा एकता बहुत बड़ा मंच है। मैं अपने पाड़े भाई लोगों से कहता हूँ, हमारे हूज हर जगह नाम है जी। हमने काम ऐसे किए हैं, हमने कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगी, ना किसी की चोरी कर ली है। हम लोग मेहनत करके रोटी खाते हैं और मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। हमारे आदमी, बड़े बड़े आदमी, आपने पोस्टों में, मैं भी आर्मी का आदमी, सब हम देश के सेवा में लगे हैं तन मन। हमारे खाना पीना नहीं हो, लेकिन हम चोरी और भीख कभी नहीं मांगते, इसलिए हम लोग बढ़े। लेकिन हमारी एकता एकदम प्रभु की वो देन है, सैन देवता की कृपा से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर क्या कहना चाहिए? हाँ, तिल्लोचन खोलिया हंसो कुमैया हमरो कुमाऊ यो से हमारो पहाड़ा। हम सब संस्कृति को मानने वाले हैं, और हमारे मुख्य अतिथि आज यहाँ विराजमान हो चुके हैं, और जिन्होंने इस उत्तराखंड की नींव रखी और जिसने पर्वती कला मंच की नींव रखी, वो मनोहर चंद जोशी हमारे सामने। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, जो आपने हमें आकर के यहाँ पर दर्शन दिए। मैं मनोहर चंद जोशी इसका संस्थापक हूँ। 1993 में मैंने एक मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना सब पूरे उत्तराखंड को, हमारे पर्वतीय कला मंच के जितने भी लोग हैं सबको जोड़ लिया जाए और ऐसे कार्यक्रम चलता। 30 वर्षों से
निरंतर, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इसका संस्थापक बना। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद है, वहीं पर अभी जो है यहाँ पर जो रंगारंग कार्यक्रम जो है, जो जो पहाड़ की जो कल्चर है, जो वहाँ की भाषा है, उसी भाषाओं के अंदर में इसी मंच के द्वारा जो है वो कल्चर प्रोग्राम करेंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। और यहीं पर हमारे साथ में एक सर जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ओम सिंह रावत है। रावत जी क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को? आज के प्रोग्राम को बहुत ही खुशी हो रही है हमें कि हमारे उत्तराखंड के एक समूह बन के इस मेले को, उत्तरायणी को सही पर्व बना के आज दिल्ली का हर शहर में उत्तराखंड वाले मना रहे हैं, तो हमें बड़ी सौभाग्य और खुशी हो रही है। हमारे जो ना भी देखे, जो ना भी हो, सबके साथ मिलन हो जाता है। दिल्ली में हर जगह में ये पता होता है कि हमारे प्रांतीय लोग कहाँ कितने हैं जी। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे तमाम जो है वो यहाँ पर काम भी लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो जो मंडली के जो लोग हैं वो लोग भी हैं, और हमारे साथ में पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। एक बारी हम लोग इनसे जानने की कोशिश। पंडित जी आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम? आज का जो हमारे पूरे भारत वर्ष में पूरा उत्तराखंड का पावन पवित्र जो प्रोग्राम है, प्रतिवर्ष वैदिक काल से हम मनाते आ रहे हैं जी। और दिल्ली में हमारे जितने प्रवासी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में इस पर्व को रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ प्रस्तुत करते हैं, और अपने क्षेत्रवासियों को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार का आभास करवाते हैं अगली पीढ़ी को कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों से हमारे त्यौहार विलुप्त न हो जाए, जिसके लिए हम इस त्यौहार को मनाते हैं। और परमपिता परमेश्वर की कृपा से इतनी जनसंख्या हमारे क्षेत्रवासियों की, हमारे पर्वतीय समाज की इस क्षेत्र में है, उसके लिए उनका, सभी कीर्तन मंडलियों का, आप जैसे पत्रकारों का हमारे इस मंच में हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आपका चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हमारे रामलीला में भी हमें कवर करते हो, हमारे हर प्रोग्राम में कवर करते हो, और इस उत्तरायणी के महोत्सव में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आपके चैनल को हम सभा धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं। ये मंडल के लोग थे, मंडल के काफी लोग यहाँ पर और भी बैठे हुए हैं, हम लोग एक बार इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है, क्या नाम है सर? कृष्णा अधिकारी। अधिकारी जी क्या कहना चाहेंगे आज के युवक है और प्रेरणा के स्रोत में आप क्या? ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही बड़ा धार्मिक प्रोग्राम है, तो इसको हम पिछले 8-10 सालों से यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। तो हमारी ये आशा है कि हम आगे भी इस प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाते रहें, और हम अभी हम हैं, तो हमारे जो आगे बच्चे होंगे या जो हमारे बड़े हैं उनसे सीखें और इस प्रोग्राम को और आगे लेके जाएं और वो बनाएं, भव्य बनाएं, भव्य बनाने की। हाँ जी, अगर भव्य वाली बात अगर करी जाए तो यहीं पर दो प्रोग्राम जो है वो बदल चुके हैं पिछले साल से ही, एक अलग जगह हो रहा है, एक अलग जगह हो रहा है। अगर ये सब अगर एक जगह हो जाए तो क्या भव्य नहीं बन सकता? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि भव्य हो, दोनों मिले, पर क्या करें अगर वो भी हो रहा है तो मतलब ये भी कि हो चुकी है ये। देखो, पार्टीशन का हम कुछ नहीं कह सकते, पार्टीशन वाले मेरे कोई वो नहीं है, पार्टीशन हो ही नहीं, वो तो वो लोग जाने। हमारा क्या कि हमें अपने समाज को आगे ले जाना है। देखो, हम भी अपने हल्का आगे ले जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो भी अपने समाज को और आगे ले जाए, हमारी ये है। ये आप लोगों ने देखा लोगों के साथ में जुड़ करके, वहीं पर यहाँ पर आए हुए जो कलाकार हैं जो उत्तराखंड के हैं, आप मंच के द्वारा आप जो है उनको सुन सकते हैं। एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने आप लेकर के आए, और ये आप देख सकते हैं इसी मंच के द्वारा जो है वो यहाँ पर तैयारी है, और वहीं पर अगर यूं कहें कि जो कल्चर है उस कल्चर को लेकर के यहाँ पर जो है वो सभी महिलाएं जो है अपने ही वेशभूषा के अंदर में आकर के, जो पहाड़ की वेशभूषा है उसके अंदर में आकर के लोग जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो है वो नाच गाना जो है अपना प्रस्तुत करेंगे, जिस हिसाब से जो कल्चर के अंदर में होता है। सामने जो है वो गायिका है, आगे जो है वो मंच लगा हुआ है, इनको हमारी वीडियो के माध्यम से आपने पहले भी सुना होगा और अभी जो है आप लोगों को फिर एक बारी सुनने को मिल रहा है। और यहीं पर हमारे साथ में है, बाकी आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो है वो महिलाएं जो है वो, एक बारी कैमरा मैन से कहूंगा सामने ले लेंगे आप जी। मैं महिला उत्तराखंड का हमारा बहुत बड़ा त्यौहार होता है। आ जाइए आप, मैं
हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं, एक बार हम लोग इनसे एक बार जुड़े हुए। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, आप अपना नाम? भगीरथ सिंह रावत। हमारा जो संस्था है 30 साल पुरानी संस्था है, 30 साल पुरानी संस्था है। हम लोग रामलवी करते हैं और पिछले 7 साल से हम लोग उतरने का मेला करते आ रहे हैं इसी पार्क में। और उत्तराखंड समाज का हमारे यहाँ बहुत बड़ा समाज रहता है, बलजीत नगर, पटेल नगर, फरीदपुरी, प्रेम नगर, नेहरू नगर, रंजीत नगर, विधानसभा के अंदर हमारे कम से कम 30,000 की जनता हमारी रहती है। हमारे बहुत संस्था है, प्रत्येक कला मंच 30 साल पुरानी संस्था है। हम चाहते हैं हमारी संस्कृति जीवित रहे, हमारा कल्चर जीवित रहे, उस कल्चर को आगे बढ़ा सकें, हमारे जो नई पीढ़ी बच्चे वो सीख सकें, हमारे संस्कृति कल्चर को आगे बढ़ाएं। मतलब कल्चर के जो प्रोग्राम होते रहे वो लगातार जो है आने वाली पीढ़ियां जो है वो इनको समझ सके। एक बारी कैमरा मैन से कहूँगा सामने दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ये कल्चर है, ये है गढ़वाल का कल्चर जो कि उत्तराखंड का है, जो आप देख सकते हैं महाकौतिक जो है उत्तराणी मकरानी के शुभ अवसर पर विशाल जो है वो प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं और ऊपर जो देख सकते हैं जो महिला गायक हैं वो भी यहाँ पर जो लोक गायक हैं ये, और उत्तराखंड से आई हुई हैं, और तमाम यहाँ पर महिलाएं जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी अपने अपने वेशभूषा के अंदर में, जो पहाड़ की जो वेशभूषा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अलग अलग जो गीत है वो प्रस्तुत किए जाएंगे, वहीं पर हम लोग एक बारी उन लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तमाम हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। एक बारी हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं, एक बारी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करें, क्या कहना चाहेंगे सर? हम अपने त्यौहार के बहुत उत्सव लगता है, बहुत अच्छी बात है। उत्तराणी मकरानी हर साल हमारा बनता रहता है, इसी पार्क के अंदर हमारा रामलीला मंच भी होता है और उत्तराणी हमारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो हर बार होता है। ये हमारे भगीरथ जी का बहुत हमारे साथ रहा, उन्हें बहुत अच्छी हमारी संस्कृति कला मंच जो है हमारे विचार बहुत अच्छे रखे, हमें पहाड़ की याद दिलाई, जो भी हम प्रदेश में अपने पहाड़ों की याद जो है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और सर जुड़े हुए, क्या नाम है सर? हरी। नाम क्या है सर? मेरा नाम कुंदन सिंह है। किशन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, क्या कहना चाहेंगे आज उत्तराखंड? मैं इसका पूर्व महासचिव रह चुका हूँ, इसका पिछली बार मैं महासचिव था। हम यहाँ 4-5 साल से इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, हमारी पर्वतीय कला मंच शास्त्रीय मंच के द्वारा ये आयोजित किया जाता है हमें तो, और हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं इसको। बड़े हमारी ये बेटी और एक माँ का एक प्यार एक त्यौहार है, जो बेटी जाती है अपने मई के से ससुराल से मई के आती है, ये त्यौहार के इस पर्वत हम त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं यहाँ पे। इस जो मकर संक्रांति वाले दिन ही जो इस प्रोग्राम को मनाया जाता है इसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है, जैसा कि अभी एक बताया कि अपने ससुराल से जो है वो मायके आती है, लड़की जो है वो ससुराल से जो है अपने मायके पहुंचती है, वहीं पर इसी को लेकर के उपलक्ष के अंदर में जिसको मकर संक्रांति के नाम पर जो है वो मनाया जाता है, हर माँ की उम्मीद होती है कि मेरी बेटी जो है वो मेरे घर पर आए और इस त्यौहार वाले दिन जो मेरे घर पर रहे। तो यहाँ पर तमाम देख सकते हैं, यहाँ पर और भी लोग जुड़े हुए, कैमरा मैन से कहूँगा सामने लेकर के आए, हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर उपस्थित है, मौजूद है। हम लोग एक बार उन लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, प्रोग्राम के बारे में। हमारे साथ में एक भाई साहब जुड़े हुए हैं, भाई साहब जी क्या हाल चाल है आपका? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है सब भाई लोगों? जय श्री राम, नमस्कार। उत्तराखंड मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे आज के मकर संक्रांति और उत्तराखंड मकरानी का प्रोग्राम? ये हमारा बहुत पौराणिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संगम होता है जो उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से उत्तराखंड के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे पूरे उत्तराखंड में भुगुती और खिचड़ी बड़े दान पुण्य के साथ बड़े उत्साह से मनाया जाता है। आप देख रहे होंगे पूरे समाज को कितने उत्साह से सब लोग नगा रहे, नाच रहे, झूम रहे हैं, सारे काम काज को छोड़ के आज एक उत्साह का दिन मनाया जाता है।
जिससे हमारे आने वाले नए साल की आगमन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग आप लोगों को आगे लेकर के चलते हैं। हमारे साथ में यहीं पर कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हम लोग एक बार इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? उर्मी रावत। बताइए आज के बारे में क्या कहना चाहिए? सर ये हमारा त्यौहार है और बस उत्तरायणी मकरानी कहते हैं इसे। बस और हमेशा आप लोग मनाते हैं, अपने उन बच्चों को जो आने वाली जनरेशन है उसको क्या कहना चाहेंगे? कि हर ऐसे ही मनाए जैसे हम लोगों ने करा है, जैसे हमारे बुजुर्गों ने करा है तो हम कर रहे हैं, फिर हमारे बच्चे आगे इस पर्व को चलाते रहे। चलिए, क्या नाम है आपका? दीपा। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे मकरानी उत्तरायणी का त्यौहार है और हमारा हर साल का त्यौहार है और हमारे बच्चे भी ऐसे आगे बढ़ते रहे। ये आप देख सकते हैं तमाम हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं। और एक बारी और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, भाई कैमरामैन से कहूंगा सामने आप लेकर के आए, ये लड़की हैं जो कि आज की जनरेशन की हैं, एक बारी हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नीलम नाम है। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बट मैं अपने मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे इनवाइट किया गया था तो इनवाइट करा गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके देखकर। क्या लगा आप आज? अच्छा लग रहा है, ये सब मैंने देखा। क्या नाम आपका? प्रियंका। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। क्या सुमन? क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्वाइट किया गया आए और देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। ये आप लोगों ने देखा कि ये बच्चे हैं, बाहर से आए हैं, इनवाइट करके इनवाइट किया गया इनको, यहाँ पर ये लोग पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ में कुछ और भी महिलाएं जो वो जुड़ी हुई हैं, एक बारी हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम? संगीता। संगीता, कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपको और आगे वाले जो जनरेशन है उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, अभी तो हम स्टार्ट हुआ है और बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे उत्तराखंड का संस्कृति का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। हमारे साथ में माता जी हैं, पहले माता जी से भी ले लें क्योंकि माता जी ने अपने लाइफ के अंदर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखे हुए हैं। माता जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत अच्छा दिन, बहुत पर्व दिन हमारा, हमारे रीत रिवाज है वो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बच्चे अब जो है वो अपने त्योहारों को जो है संस्कृति को हमेशा याद रख रहे हैं, अपने संस्कृति बच्चों के लिए आगे के लिए उनको बता रहे हैं, उनको लगातार ऐसा होना चाहिए लोग जाके आने वाली जो जनरेशन है उनको पता लग सके। क्या नाम है सर आपका? बसंत भट्ट। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा। अपनी आने वाली जो जनरेशन होंगी उनके लिए ऐसे कल्चर प्रोग्राम जो है अपनी सभ्यता को ना भूल पाए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अपने बच्चों को सिखाएंगे, इसी बरकरार रखेंगे इसको, कला मंच जैसे कुमाऊनी ये बरकरार रहेगी और अच्छा रहेगा आगे को, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है सर? सर कृष्णानंद तिवारी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं तो बलजी नगर से आया हूँ। नहीं, आगे कहाँ से हैं? उत्तराखंड अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से हूँ। अल्मोड़ा से हैं। जो इस समय आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो जनरेशन आगे देखेंगे, उनके लिए इस प्रोग्राम का क्या महत्व है? बहुत महत्व है इसको, अपने कल्चर को हमेशा याद करना चाहिए उन्होंने और अपने कल्चर को हमेशा करना चाहिए। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार जी, पहले तो सभी उत्तराखंड वासियों को उत्तरायणी मकरानी की बहुत बहुत बधाई और हमें बहुत गर्व है कि हमारे उत्तराखंड वासियों ने अपनी संस्कृति को बहुत जिंदा रखा है और आगे भी इसी तरह चलता रहे, हमारी यही कामना है। बहुत बहुत ये आप लोगों ने देखा, यही एक चीज़ होती है जो अपने कल्चर के अंदर में रखी गई है, जो अपने कल्चर को जो है वो जिंदा रखती है। अगर हम लोग अगर इसी तरीके से अपने बच्चों को भी जो है उन अपने संस्कारों को जो है वो बताएं तो शायद आने वाले समय के अंदर में जो है वो बच्चों को जो है वो पता लग सकेगा कि हमारा जो कल्चर है वो क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। और आने वाले समय के अंदर में उन बच्चों को जो है वो सभ्यता सीखने को मिलेगी, हमारे जो पहाड़ के अंदर में क्या किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके का प्रोग्राम करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग एक मेजोरिटी के अंदर में सभी को एकजुट होकर के रहना चाहिए। यही जो कार्यक्रम होते हैं, जो समाज होता है, यही एक समाज है जो बोलना चाहिए। क्या कहना चाहिए? इसलिए क्या है ना, गांव खाली हो चुके हैं, तो पहले ये चीजें गाँव में होती थी, सब सारे बाहर आ चुके हैं तो बाहर ये सब फिर से किया जा रहा है, शुरुआत यहाँ तो ये शुरुआत ही है,
दिल्ली के, तो दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में ये सब प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, तो क्योंकि वो जहाँ जहाँ रहते हैं वो वहाँ जी हाँ, पहले कम लोग रहते थे, ज्यादा लोग गांव में रहते थे, तो ये सब प्रोग्राम गांव में होते थे, तो ये चालू था, सब जानते थे, घर से भी जानते थे, बड़े सयाने लोग आ जाते थे, ये सब देख के आते थे और बच्चे वहाँ देखते थे। अब बच्चे बड़े सब यही है, तो ये यहाँ शुरू किया जा रहा है। ये है हमारा कल्चर चलता रहे, ऐसे ही बनता बना रहे। इधर लोग क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं। बहुत नहीं खुश तो है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, हमारी इस समय छोटी जनरेशन है, उनको भी कल्चर के बारे में बताना चाहिए, अपने कल्चर में ऐसा होना चाहिए करके। उत्तराखंड में यही होता है, हमारा उत्तराखंड में यही होता है। आज के दिन हम मिठाई खाते हैं, झोड़े खाते नाचते और आलू माल के आलू गुटुक खाते हैं। हमारे पहाड़ी पहाड़ी रिवाज क्या है? अच्छा, बस यही है। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए पूरे पहाड़ी रिवाज के अंदर में ये लोग बैठे हुए, इनका कल्चर है, ये कल्चर जो है वो लगातार यूं ही बरकरार रहे, इनको इनको देखें और ताकि वो जनरेशन वो समझ सके। हमारे बच्चे भी यही सब करें कि जो हमारे पहाड़ी रीति रिवाज है, हमारे बच्चे भी सीखें। होने चाहिए कि हमारे रिवाज ये है अगर उत्तराखंड का, ठीक है, हर साल ये हर साल होता है। उन बच्चों को अपना आशीर्वाद कैसे देंगे आप यहाँ से? हमारी देख रहे हैं, आशीर्वाद देंगे, वो भी उसे सीखेंगे, वो भी वही रोल में आएंगे। हाँ, हमारे उत्तराखंड मकरणी का त्यौहार है, हमारा उत्तराखंड का माने हुए त्यौहार है ये, बड़ा वो भाई बहन आ रखे सब अच्छा लग रहा है। न्यूज वाले भी आ रखे, भाषा हमारे कौर सिंह चौक पर रहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने यहाँ की जो है वो सारी जो वीडियो देखी, आप लोगों ने समझने की कोशिश करी, हमने अभी समझाने की कोशिश करी है कि लोगों को ये बात जो है आगे तक वो जो पता लग सके। बाकी इसी के साथ में मेरे कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद।